मंत्र जाप मृत्यु को भी टाले, हर संकट पल भर में हर डाले। मंत्रों की शक्ति से अब गूंज उठेगा सारा संसार, दुख दर्द पाप विनाश और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधा ने धाम मंत्रों की मशाल हाथ में ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती हैं जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव। आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरु जी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका, निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। ओ भाई की हाल है शेरिया? ओ संतिया की गल, नवा ट्रक नवे कपड़े, आज खुशी बड़ा नजर आ रहे हैं। पहले तो बड़ा दुखी नजर आना सी। हाँ यार, पहला तो मेरा आत्महत्या करने जी करता सी। मेरा मालिक मैनु बड़ा डांटता सीगा ते मैनु पैसे भी पूरे नहीं देंदा सी। फिर एक दिन मैं परम गुरु आशु भाई गुरु जी को गया तो फिर की होया? उन्होंने मेरी सारी परेशानी सुन के मैनु आ रतन दिता। फिर की सी, अज मेरे को नवा ट्रक नवे कपड़े ते मेरे को पैसा भी बहुत है। वाह भाई वाह, मैनु नजर आशु भाई गुरु जी को। क्यों नहीं वीरे, तेनू भी मैं ले चलना आशु भाई गुरु जी दे कोल, वो सारे ने कष्ट मिटा देंदे ने। आशु भाई गुरु जी की कृपा नाल अज मेरे को ट्रक कपड़े पैसा सब कुछ हो गया। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। और कमाल की बात है दोस्तों, प्रोग्राम सुपर हिट है लेकिन आप बहुत लोग ऐसे हैं कि बार बार फ़ोन लगाकर रोज़ फ़ोन लगाना चाहते हैं। एक ये सवाल रह गया, एक वो सवाल रह गया, सोचो औरों का भी तो नंबर आने दो दोस्तों। अब ये है कि प्रोग्राम सही है, ऐसा है तो आप ही फ़ोन लगाते रहेंगे तो दूसरे का नंबर कैसे आएगा? सबकी बारी आए, सबका नंबर आए। ये नहीं कि परसों ही फ़ोन लगा आज लगा रहे हैं, अरे कम से कम 15-20 दिन तो ठहर जाओ। रोज़ रोज़ बात क्या ही बात करोगे? या फिर हम भी अपनी पे आ जाएंगे कि एक दो बात बता के कह देंगे ठीक है रखो नमस्ते, फिर क्या हुआ? तसल्ली से बात करने का मतलब है कि आपकी तसल्ली हो जाए। अब ये ना हो कि हमारी तसल्ली ख़राब कर दो, क्या समझे जी? ध्यान रहे, आपका प्रोग्राम है, आपकी वजह से हिट बनेगा और आप ही फ़ोन करते रहेंगे, एक एक जना ही फ़ोन करता रहेगा तो कैसे बात बनेगी? तो दोस्तों, आज हम बड़ी खूबसूरत चर्चा करने वाले हैं कि लोगों में प्यार क्यों नहीं है, क्या कारण है कि माँ से बेटा नाराज़ है, क्या कारण है बाप से बेटा नाराज़ है, क्या कारण है भाई बहनों की आपस में बनती नहीं है, क्या कारण है कि हम कहीं जाते हैं कोई हमसे ढंग से बात नहीं करता, क्या कारण है हमारे जीवन में इतनी अशांति है, क्या कारण है कि अशांति हमारे मन को दिल को और दिमाग को खाए जाती है। और कहते हैं जब कोई भी अशांति दिल और दिमाग को खाए जाती है तो हम चाहे कितने भी अच्छे हैं, हमारा मन चाहे शीशे की तरह साफ है, हमारा मन चाहे पानी की बूंद की तरह पवित्र है,
लेकिन याद रखना ठीक ऐसे ही मन हो जाता है जैसे एक बूंद अगर सांप के मुंह में जाए तो वो जहर बन जाता है, बरसात की एक बूंद, और बरसात की एक बूंद अगर सीप में जाए तो मोती बन जाता है, और बरसात की एक बूंद किसी गंदी जगह में जाए तो वो गंदा हो जाता है, और बरसात की एक बूंद फूल में जाए तो फूल खिल जाता है। क्या कारण है कि हमारे मन में, हमारी आत्मा में सब जगहों पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं होता वो ज़रूर ऐसा होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। आज हम घर में ये सब बातें करते हैं तो हम सोचकर हैरान होते हैं कि सब अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन ढील कहाँ पर रह जाती है। आप घोड़ा चलाते हैं, घोड़े की जो लगाम है वो कितनी खींच कर रखते हैं, कहाँ पर उसको मोड़ना है, ये भी तो आपको डिपेंड करता है। अरे घोड़ा है और अपने तरीके से रहता है, सही ढंग से उसे पालते हैं, सेवा करते हैं, सही ढंग से उसे चना खिलाते हैं, सही ढंग से उसे नहलाते हैं, तो क्यों ठीक रास्ते नहीं चलेगा। और आपका बच्चा आया है, संस्कार तो आपको अपने घर में ही देने होते हैं ना। आप कहेंगे कि बेटा हाथ धो लो, मुंह धो लो, खाना खा लो, और बच्चा ऐसे ही खाने पे टूट के पड़ेगा तो बीमार कैसे नहीं होगा, बताओ। खाने का मेनू तो आप लोग सेलेक्ट करते हैं, आपके घर में किस तरह का खाना खाया जाता है, कितना मीठा खाया जाता है, कितना चरचरा खाया जाता है, कितना नमक आप खाते हैं, कितना आप रोटी खाते हैं, कितनी दाल खाते हैं, कितनी सब्जी खाते हैं, कितनी सलाद खाते हैं, आपका स्वास्थ्य उसी पर डिपेंड करता है। और क्या आप नहीं खाते, शरीर में कहाँ कहाँ क्या कमजोरी होती है, ये भी तो हो सकता है ना। और कमजोरियाँ जो आपके जीवन में होती हैं वो छोटी कमजोरी नहीं होती, बड़ी बड़ी कमजोरियाँ होती हैं। जैसे बात में आपने बचपन में दूध कम पिया तो आपके शरीर में बढ़िया वाली कमजोरी हो गई, क्या कैल्शियम की कमजोरी हो गई, सब चीज़ की कमजोरी हो गई, आप चिड़चिड़े हो गए, मन और मस्तिष्क किसी काम में लगता नहीं है, क्योंकि जरा सा भी कोई काम मेहनत से करते हैं आप थक जाते हैं। आपने अपने बच्चे को मोबाइल ज़्यादा दिया, क्या आप जानते हैं मोबाइल का साइड इफ़ेक्ट क्या है। चलिए आज मैं आपको मोबाइल की एक सीक्रेट बात बताता हूँ जो शायद किसी को भी नहीं पता, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे हो सकता है। अगर आपका बच्चा छुप छुप के मोबाइल देखता है, रजाई ओढ़ के रजाई में मोबाइल देखता है, अंधेरे में मोबाइल देखता है, तो आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि आपकी आँख में जो एक काला काला सा घेरा है, इसके बीच में एक काला सा तिल है, वो अंधेरे में बड़ा हो जाता है, उजाले में छोटा हो जाता है। ठीक कैमरे की तरह है, कैमरे को एडजस्ट करना पड़ता है अंधेरे उजाले में, लेकिन आँख को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। भगवान ने आँख में ऐसा कैमरा लगाया है, ऐसे लेंस लगाए हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, जो किसी भी क्वालिटी से ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन वो ख़राब भी हो सकते हैं। अगर आप विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी वगैरह ज़्यादा नहीं खाओगे तो आपकी लाइफ में आपकी आँखें आपका साथ नहीं देंगी। कहते हैं एक मिनट में 20 बार कम से कम पलक झपकनी चाहिए, लेकिन जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ को देखते हैं, आंखें फाड़ के देखते हैं, तो आपकी आंखें 4 या 5 बार झपकती है एक मिनट में। तो इसका मतलब है आंखों को आपकी जो पलक है वो गीला करने का काम करती है। जैसे कहते हैं ना, एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम से गाड़ी का जो इंजन गर्म होता है तो उसमें रेडिएटर एक चीज़ होती है, वो अपने आप कूलेंट जो उसमें होता है वो गाड़ी के इंजन को ठंडा करता रहता है। और आपकी आँख पे क्या कूलेंट लगा हुआ है, जो आँख पर पलक है ना, इसमें से चिपचिपा पदार्थ मतलब पानी जैसा, सब पानी का कमाल है। अगर आप पानी कम पीते हैं और आप के अंदर पानी की कमी है तो हर चीज़ में कमी है, आंखों में खुजली हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, चिपचिपापन आएगा, पानी की कमी है। और आंखों को यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं,
ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, ज़्यादा लैपटॉप देख रहे हैं, हर चीज़ से हरी हरी किरणें, नीली नीली रोशनी निकलती है और नीली रोशनी जो है आपको आकर्षित करती है। आप कभी भी देखना, एक मच्छर मारने का यूनिट होता है, एक जैसे लाइटें लगी होती है, इसमें नीली रंग की लाइट होती है, मच्छर उसकी तरफ भागता है और पटाखा बज जाता है पट। आपने देखना कभी मिठाई की दुकान में या कहीं पे भी मच्छर मारने का यंत्र लगा हुआ है और यंत्र के अंदर नीली नीली ट्यूबें लगी हैं और उसके ऊपर करंट है और जब मच्छर भाग के आता है उसको छूने के लिए और वो वहीं पे पटाखा बज जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी आँख के ऊपर जो पलक है ये बार बार जो आती है ये आँख को ठंडा करती है और चिकना करती है और किसी भी धूल धक्कड़ को जमने नहीं देती है। अरे कमाल की बात है। और अगर अंदरूनी कोई कमजोरी है, जैसे पानी आप कम पीते हैं तो कैसे पता लगेगा कि आप पानी कम पी रहे हैं? आपका बाथरूम बताता है कि आप पानी कम पी रहे हैं, पानी की मात्रा आप में पूरी नहीं है। अगर आपका पेशाब, मूत्र यानी कि अगर वो पीला आ रहा है तो आप पानी कम पी रहे हैं, उसमें दुर्गंध आ रही है, बहुत कम पी रहे हैं। और आपका जो पेशाब का वेग है वो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपकी किडनी ज़्यादा काम कर रही है, और वेग कम है तो किडनी कम काम कर रही है। देखो दोस्तों, मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मुझे तजुर्बा है, जो नॉलेज है वो इस तरह की है कि वो सीधी सीधी नॉलेज है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं रोज़ सुबह ये कहता हूँ कि आप सुबह सुबह अपने मुंह में एक उंगली डालकर और उससे अपनी आँख का अंजन करते हैं तो आपकी आँखें ठीक होने लगती हैं, क्या कुदरत का करिश्मा है ये मुझे नहीं पता। कितना भी गहरा जख्म है और जख्म ठीक नहीं होता है तो सुबह का बाथरूम उस पर लगाइए, आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा। दोस्तों एक बात है, आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, आपकी हर चीज़ भगवान ने दो दिए हैं, एक आँख खराब हो जाए एक काम करेगी, एक कान खराब हो जाए दूसरे से सुनोगे, हैं किडनी भी दो दिए है। और सपोज करो कि आप शराब पीते हैं, लो जी बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं हम लोग, आपकी शराब जहाँ पर जाती है, जहाँ पर खाना पचता है वहाँ पर जहाँ शराब जाती है, 20% शराब जो है वो सिस्टम जो है आपका चूस लेता है और चूस कर खून को डाइवर्ट कर देता है। जब वो खून में मिल जाती है तो लीवर से होते हुए हर जगह से जाती है और ज़्यादा पीने की वजह से आपके शरीर में, मस्तिष्क में स्वेलिंग आ जाती है और लीवर में स्वेलिंग आती है तो उसको कहते हैं फैटी लीवर, हो गया मोटा हो गया ना। और अगर वो ख़राब हो जाए, मजे की बात देखो, ये एक ऐसा ऑर्गन है शरीर में, भीतरी सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये ख़राब हो जाए तो इसको अपने आप रिपेयर करता है। अगर आप अच्छी चीज़ें खाने लगते हो उसके काम के चीज़ें तो अपने आप को ठीक कर लेता है, और बिल्कुल ख़राब हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती। दिल ठीक हो सकता है, किडनी ठीक हो सकती है, बदल सकते हो आप, और लीवर जो है आपको जवाब दे देगा। लीवर क्या है? जब उसमें शराब जाती है और जब मस्तिष्क में जाती है तो आपका मेंटल लेवल थोड़ा बिगड़ जाता है, 2-3 पैक पीने के बाद भी आप कहते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अरे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक बात बताओ, जब आप ठीक होते हो तो ऐसे बोलते हो कि मैं ठीक हूँ? आपको जब नशा चढ़ता है, दिमाग में नशों में घूमता है तो आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ यार, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। अरे इसका मतलब आप ठीक नहीं हो। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, यार मैं बूढ़ा थोड़ी हुआ हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या जवान आदमी भी ऐसे बोलता है? नहीं ना, आप अपने आप को छुपाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। और जब आपको बहुत अधिक नशा हो जाता है, दबा दब पीते हैं, कुछ खाते नहीं है, पीते रहते हैं, संतुलन बिगड़ जाता है, फिर आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, चलने में लड़खड़ाने लगते हैं, बात करने में बहकने लगते हैं,
हाथ लगा लगा के बात करते हैं, देख भाई सुन, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, अरे हाँ तू ये समझ ले भाई, हाँ हैं ये क्या एक्टिंग हो रही भाई। तो जीवन में क्या है, हर चीज़ अपना अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन आप क्या कहते हैं, यार फलाना अंकल जी है ना 70 साल से पी रहा है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, और तुम मुझे रोज कहते हो अंकल जी ने पुराना माल खाया था, आज तक कहते हैं नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, क्या बोलोगे इस बात को आप। अंकल जी ने तो सपनी अपना सब निकाल दिया, वो तो एक लकीर पे चल रहा है, और चला भी जाए तो क्या दिक्कत है, तुम्हें तो जीना है ना। तुम जवानी में अंकल जी को टक्कर देना चाह रहे हो, गलत है। आज का जो जीवन है उसमें खान पान में बड़ी तब्दीली है। आप जो भी कुछ खाते हैं वो पता है क्या खाते हैं भाई, बड़ी मज़ा आएगा सुन के, मिलावट का खाना खाते हैं। अब हर चीज़ मिलावट की है, और दारू जो है वो रियल है, वो प्योर है, उसमें मिलावट नहीं है, उसमें आप खुद पानी मिलाते हो। मजे की बात देखो कि एक गिलास में थोड़ी डाली और पानी से गिलास भर दिया, आप तो मिलावट करते हो ना। और दूध में ऐसे मिलावट हो तो आप पियोगे दूध, कहो यार पानी है। जो चीज़ प्योर मिल रही है उसको आप मिलावट कर रहे हो। पीकर देखो ना, एक बोतल पूरी नीट पीकर देखो, क्यों मिलावट करते हो। एक गिलास दूध भी नीट पीकर देखो प्योर, क्यों मिलावट करते हो। तुम मिलावट करते हो असली चीज में, और असली चीज को हल्का करने की कोशिश करते हो कि यार एक लीटर दूध पी लूंगा ना दस्त लग जाएंगे, डरते हो ना, बिल्कुल लग जाएंगे प्योर पियोगे तो। लेकिन दूध वाले की मेहरबानी है, वो पहले ही पानी मिला के लाता है, उसका थैंक्स बोलो यार, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होने देता। अब ये नहीं पता वो पानी कैसे मिला के लाता है, बर्मे का ही खींच के भर देता है, टूटी का भर देता है, या कैसे भर देता है उसको पीने के बाद। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है गंदा पानी पीने से होती है, क्योंकि गंदे पानी में ऐसे ऐसे जीवाणु, ऐसे ऐसे कीटाणु, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे अमीबा, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आँख से नहीं दिखती, अपना कार्यक्रम दिखा के दिखती है। जब वो पेट में पहुंच जाती है तब पता लगता है इन्होंने अपना चमत्कार दिखा दिया। क्या चमत्कार दिखा दिया, पीलिया हो गया। अगर आपको पीलिया होता है ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ज़्यादातर आपने गंदा पानी पिया है, गलत दवा खाई है, ऐसी दवा खाई है जिसका लीवर पर इफेक्ट पड़ गया, तबीयत खराब हो गई। और दोस्तों एक बार तबीयत खराब हो जाए ना बड़ा महंगा पड़ता है इलाज भी। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, कमजोरी आती है, काम करने का मन नहीं करता, जीने की इच्छा नहीं करती, चलने फिरने की इच्छा नहीं करती, खाना खाने की इच्छा नहीं करती, खुश रहने की इच्छा नहीं करती, अब बताओ जी के क्या करोगे। ये बीमारी जब आपको लग जाती है तो एक ऐसा डायलॉग सुना होगा फिल्म में कि मैं तुम्हें, वो तुम्हें जीने नहीं देगा और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अरे वाह, भगवान की आयु आपको मिली है, भगवान तुम्हें मरने नहीं देंगे क्योंकि अभी तुम्हारी लिखी है, और बीमारी तुम्हें जीने नहीं देगी। अरे कमाल की बात है, बड़े चमत्कार की बात है कि बीमारी कहती है कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी और भगवान तुम्हें मरने नहीं देंगे, बड़े कमाल की बात है। तुम भगवान के पुण्य करते हो ना, भगवान का नाम लेते हो, मंदिर जाते हो, कुछ तो नाम लेते हो, कितना भी नास्तिक हो, कितना भी नास्तिक हो, अगर सिर झुका के भगवान के मंदिर के आगे से जा रहा है तो भगवान बड़े भोले हैं। भगवान कहते हैं यार चलो अपनी इज्जत तो कर ही रहा है, भगवान तो उसको भी माफ कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी करने गया, एक चोर चोरी करने गया भगवान शिव के मंदिर में, और शिवलिंग पे खड़ा होकर सोने का घंटा उतारने लगा, जो टल्ली होती है ना उतारने लगा। भगवान प्रकट हो गए, हाँ भी बोल क्या चाहता है। बोला जी कुछ नहीं, ये सोने का घंटा ही ले जाना चाहता हूँ। बोला अरे ये तो छोड़, बता तूने मुझे खुश किया,
चोर बड़ा हैरान हो गया, मैंने कैसे कुछ किया। अरे बोला, शिवलिंग पे कोई दूध चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, तू तो खुद ही चढ़ गया। मैं बहुत खुश हूं, बता तू क्या चाहता है। चोर हैरान हो गया, यार कमाल है, दाव लग गया। उसने बोला, भगवान बस मुझे तो ये सोने का घंटा दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, ले जाओ। भगवान तो बड़े भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहते हैं, और भोले बाबा की शरण में हर कोई पार हो जाता है, हर कोई पार हो जाता है, वो भी पार हो जाता है जो बाबा का ही बुरा सोचता है। तो याद रखना मेरी बात को, आप जीवन में जिस जिस चीज को ऐसा समझते हैं कि ये तो मेरे काम की नहीं है, भगवान ने तो आपको कृपा देनी है। आप मंदिर में पहुंच गए, आपका क्या मन है, आपने मन में क्या सोचा, पूजा का सोचा या पाप का सोचा, पर भगवान तो आपको अच्छा ही फल देंगे। भगवान कभी ये नहीं सोचते कि आदमी कैसा है, इस आदमी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं किया, ये आदमी मेरे बराबर मंदिर में आ रहा है तो ज़रूर इसके मन में कुछ अच्छा ही होगा। और याद रखना, जो लोग भगवान के मंदिर में भी चोरी करते हैं, उन्हें किसी भी जन्म में अच्छा कुछ नहीं मिलता है। कारण ये है, अगर तुम्हारे मन में भगवान के मंदिर में ही चोरी करने की भावना है तो किस मन को आप अच्छा छोड़ोगे, ये मुझे बता दो। तुम्हारे लिए और मन कौन सा अच्छा हो सकता है? जब तुमने अपने मन में परमात्मा के बुरा सोच लिया तो किसी का तो आप क्या ही अच्छा सोच सकते हैं, आप किसी का अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तभी तो ये कहते हैं, चोर के घर में कभी दिया नहीं जलता। तभी तो ये कहते हैं कि चोर के घर में दिया नहीं जलता और चोर के मन में हमेशा चोरी रहता है। चोर के मन में चोरी क्यों रहता है कि वो भागता रहता है, हमेशा सोचता है खाकी पैंट काले जूते, जरूर पुलिस वाला होगा, मुझे ताड़ रहा है, भाग लो। चोर के मन में चोर रहता है और रहेगा भी क्या, कुछ और क्यों रहेगा? क्या कुछ और रहना चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर उसके मन में कुछ अच्छा रहा होता तो वो चोर क्यों बनता? आप जानते हो, खून पसीने की कमाई करके कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अपने लिए एक अच्छा सा मोबाइल लेता है और वो मोबाइल को चोर खींच के ले जाता है, छीन के ले जाता है। तो आप सोचो कि जब वो इतनी सी चीज के लिए किसी बच्चे का जीवन ही खराब कर दिया, क्या पता वो दोबारा मोबाइल ले या ना ले। पर तुमने ये क्या किया, किसी को अच्छी चीज दिलाने से तो गए, किसी का मोबाइल छीन लेते हो, इसका क्या मतलब है? आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे तजुर्बे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं। कहा जाता है, अरे बिहार की वो लड़की थी, क्या नाम था, अपने बूढ़े पिता को दिल्ली से लेकर बिहार तक चले गई, धन्य है वो लड़की, ऐसी लड़कियों पर मुझे नाज है। क्या आप जानते हो, ऐसी बेटियां हमारे देश में हैं जो अपने पिता को, बूढ़े पिता को, बीमार पिता को अपनी साइकिल पर बैठा कर वहां लेके चली गई। आप जान सकते हो कितना हौसला है। मैंने तो ऐसा एक बेटा भी नहीं देखा कि दिल्ली से साइकिल पर अपने बूढ़े पिता को बिठा कर वहां लेके गया हो, बताओ कोई देखा है तो। धन्य है, कितनी हिम्मत है उस लड़की पर, कितनी हिम्मत है उस लड़की में, कितनी मर्दानगी है, क्या आप बता सकते हो? और ध्यान रखना दोस्तों, सब कुछ दया भाव में चल रहा है। अगर आप में दया ही मर गई तो आप जिंदा भी हो तो बेकार हो। जब आप किसी पर दया ही नहीं कर सकते तो आपके जिंदा रहने का भी क्या ही लाभ है। आपकी दया किसी का जीवन बना सकती है, आपकी दया किसी को बसा सकती है, आपकी दया किसी में जीने की इच्छा रख सकती है। आपकी दया तो ऐसा प्रभाव दिखा सकती है कि दयालु इंसान सबसे बड़ा होता है। दयालु इंसान हमेशा पूजनीय होता है, दयालु कोई भी हो सकता है। अगर तुम किसी पर दया नहीं करते हो तो बेकार है तुम्हारा जीना, कोई लाभ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, क्या करोगे जीकर? तुम दया नहीं करते हो,
अरे तुम्हारे जीवन में अगर दया नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में जीना भी एक स्वप्न के बराबर है कि एक सपना देखा था कि आप जिंदगी में एक अच्छे इंसान बनोगे, एक अच्छे सपने ही रह जाएंगे सब, तुम्हारा असली जीवन भी स्वप्न में लीन हो जाएगा। एक फूल खिलता है खुशबू के कारण, उसे तोड़ लिया जाता है। एक फूल खिलता है खुशबू छोड़ो, उसके ब्यूटी के कारण उसे तोड़ लिया जाता है, खूबसूरती के लिए उसे तोड़ लिया जाता है। एक फूल खिलता है गुलकंद बनाने के लिए उसे तोड़ लिया जाता है। एक फूल खिलता है गले में माला डालने के लिए, वरमाला डालने के लिए उसे तोड़ लिया जाता है। एक फूल होता है किसी की समाधि पर डालने के लिए तोड़ लिया जाता है। एक फूल होता है जो किसी दरगाह पर सजाने के काम आता है। एक फूल होता है गुरु ग्रंथ साहब जी पर सजाने के काम आता है, सजाने के, जो हर धर्म को सजाने के काम करता है। क्या फूल की जिंदगी से कभी पूछा है क्या तेरी भी कोई इच्छा है? अरे उससे भी कभी पूछा है कि क्या तेरी भी कोई इच्छा है? अगर तेरी भी कोई इच्छा है तो तेरी इच्छा तो कभी किसी ने जानी ही नहीं, तेरी इच्छा तो कभी किसी ने जानी नहीं। कारण यही है कि तेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। ऐसा ही मनुष्य है, तुम जिस जिस चीज़ से जुड़ोगे वहाँ के कहलाए जाओगे, उस धर्म के कहलाए जाओगे। आप जहाँ जहाँ जुड़ोगे उससे कहलाए जाओगे कि ये फलानी बीवी का पति है, ये फलानी का पति है, ये फलानी की पत्नी है, ये फलानी का ऐसा है। और पीछे लग जाएगा एक सरनेम, क्या फलाना खान, फलाना सिंह, फलाना राजपूत, फलाना जो भी है, यादव है, यही रहे या कोई भी है, ये कैसी बात है? तुम जुड़ जाते हो, तुम्हारे पीछे नाम का ठप्पा लगता है, ये शर्मा जी हैं, ये यादव जी हैं, ये तो बड़े सारे नाम हैं। क्योंकि आपके जीवन में क्या है, जब कहीं जुड़ोगे नहीं, अकेले रहोगे तो साधु या संत कहलाओ जाओगे। किसी संत के पीछे तो नहीं आपने कोई नाम जोड़ा, संत भी तो किसी जाति या धर्म का हो सकता है। समय थोड़ा है दोस्तों, आज बड़ी तगड़ी बात करनी थी, कल बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया बातें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। दिक्कत है ना, गलती होगी साहब जी। अरे साहब जी ने आंख उठाकर देख तो ले। अरे धारे तू, अरे कल तक तू साइकिल पंचर लाया करता, आज साहब क्यों कर बन गया? अरे सपना दिखावा कौन है, यो तो आशु भाई गुरुजी की ज्योतिष विज्ञान का चालास है। अच्छा, और तब भाई मन भी ना चल गुरुजी यहाँ दौड़ा, मारा भी कि मैं उद्धार हो जाते हैं तो चाल ना मेरे यार। आ जा साइकिल छोड़ दे, बैठ पाछे।